अपनी लाडों को याद करके आही ना भरना, बस मेरे लिए दुआए मगफिरत करना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। सो भाई लोग, आज मैं बात करूंगा हैशटैग जस्टिस फॉर आफिया के लिए। सो भाई, हमारे काफ़ी दिन की वीडियोस चल रही हैं। हमारे इधर की बीरपुर साइड की एक आफिया लड़की थी जिसकी शादी हुई थी सूचमा बठिंडी में, और भाई उनकी शादी हुआ अभी 2 मंथ ही हुए थे, तो उनको 2 मंथ होने से पहले एक दिन उन्होंने मार दिया उसको। तो भाई अभी हम कह नहीं सकते कि उनको उन्होंने खुद फांसी लगी है जहाँ उन्होंने मारा उसको भाई, तो अभी इतना कह नहीं सकते हैं। मगर जो है कि 4-5 दिन पहले उनको डेथ हो गई थी उनकी, तो अभी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है। कल रात को भी प्रोटेस्ट हुई थी भाई, कैंडल मार्च हुआ था रात को भी। तो लड़की वालों के घर वालों का कहना है कि इन्होंने मार दिया है, तो अभी हम मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी अभी नहीं आई है, तो हम इतना कंफर्म भी नहीं कह सकते हैं। और साथ में भाई जो लड़के वाले हैं उन्होंने मतलब डेड बॉडी जाके जीएमसी में छोड़ दी, उन्होंने कोई किसी को नहीं मतलब जीएमसी में डॉक्टर को नहीं इन्फॉर्म किया, किसी ने किया, ऐसे छोड़ के आगे सीधा उनके नानू को, लड़की के नानू को कॉल की कि ऐसे ऐसे लड़की की डेथ हो गई है, तो आओ बात ख़त्म कर लेते हैं। तो भाई अभी पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस बोल रही है कि नहीं इन्होंने फांसी खुद लगी है। सो भाई एक बात बताओ मुझे, अगर वो खुद फांसी लगे हैं या मतलब इन्होंने लगाया हुआ है, तो कंफर्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना थोड़ी कंफर्म हो सकता है। पुलिस कैसे बोल सकती है कि जी ये खुद फांसी लगी है, ये तो बोल नहीं सकती पुलिस। तो इसका मतलब पुलिस कुछ कर नहीं रही है, और भाई कोई एक्शन भी नहीं ले रही है पुलिस। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सब वीडियोस वगैरह डाल देता हूँ, आपको ये सब वीडियोस दिख जाएंगी। और भाई हमारी ये अपील है कि जैसे मर्जी इनको जस्टिस दिलाया जाए, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आपके सिस्टर को जस्टिस दिलाया जाए। और मुझे इंसाफ दिलाओगे ना तो दरिंदों को फांसी चढ़ाओगे ना, मेरी अम्मी से कहना अपनी लाडों को याद करके आही ना भरना, बस मेरे लिए दुआए मगफिरत करना। तेरी ये कली आज मुरझा गई कि क्या हुआ, एक दिन फूल बनकर जरूर खिलेगी माँ, तू सब्र रखना, तेरी बेटी तुझे जन्नत में मिलेगी। क्या गुजरी होगी मुझ पर जब उन जालिमों ने दरिंदों की तरह मुझे ऊंचा था, नहीं बेबस थी मैं उस वक्त, किसी ने ये सोचा था जब तक जिंदा थी किसी ने एक न सुनी, सारा जमाना मुझसे सहमत है, ये याद रखो बेटी बोझ नहीं अल्लाह की रहमत है। मेरी कब्र को फूलों से सजा दो, एक और आफिया को मरने से बचा लो। सुनो तुम सब मिलकर मुझे इंसाफ दिलाओगे ना, उन दरिंदों को फांसी पे चढ़ाओगे ना, उन दरिंदों को फांसी पे चढ़ाओगे ना। We won! We won!
होती है। आज सोशल मीडिया पे कंपेनिंग चल रही है जस्टिस फॉर आफिया के नाम से, और लगातार सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के साथ साथ मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद की जा रही है। ये वही लोग हैं, ये वही परिवार है जो ये इल्ज़ाम आयद करता है मुबैन तौर पे कि उनकी बच्ची का जो है वो कत्ल किया गया है, और दूसरी जो लड़के की फैमिली है वो कह रही है कि उस बच्ची ने जो है वो फांसी दी है। दोनों सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और हम इन तमाम लोगों को सामने रखते हुए ये इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला इंतहाई बहुत ही ज़्यादा ऐसा दर्दनाक है कि इसमें आप जितने भी नहीं खुलती, मैं इससे ही बात करूंगा क्या कहेंगे और माँ के गाल कर गए दोस्त और इंसाफ से कानून व्यवस्था क्या आपकी मदद कर रही नहीं कर रही, क्या बिल्कुल प्रशासन ताकि उनकी आंखें खुले और आपकी बहन को इंसाफ मिले जो इस समय दुनिया में तो नहीं है लेकिन और किसी की बेटी के साथ कोई और परिवार ऐसा ना करे। यही कि जस्टिस चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आज वो तो है नहीं इस दुनिया में, ये सब करने से वो वापस नहीं आएगी, लेकिन इसलिए है कि नेक्स्ट किसी और लड़की के ऊपर ये सब कुछ ना हो, ताकि उन्हें थोड़ा सा ऐसे दरिंदों को थोड़ा सा डर तो बैठे उनके अंदर कि किसी ने किसी के साथ किया था तो उनके साथ कुछ हुआ है। तो बस यही है, जस्टिस चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए पुलिस वालों को। बस क्या बोलोगे दीदी आप भी? हमें जस्टिस चाहिए, हमारी बहन को जैसे मारा है वैसे मारो उनको, जैसे मारा है वैसे मारना चाहिए। जितनी बेरहमी से मारा था हमारी बहन को वैसे ही उनको भी बेरहमी से मारना चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं, तब भी हम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी पीसफुल रह रहे हैं कि हमें हमारी गवर्नमेंट सब कुछ करेगी। हमें यकीन है गवर्नमेंट पे कि वो हमें इंसाफ दिलाएगी। देखेंगे जी, आज एक कैंडल मैच जो है निकाला जा रहा है परिवार की तरफ से। आगे आप देखेंगे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और देखेंगे सारे लोग जो है आज यहाँ पे एकत्रित हैं। मसला है अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिले, बुजुर्ग सभी यहाँ पर खड़े हैं, माता यहाँ पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन से जी इंसाफ जाना है। लड़की अबू हूँ मैं, मेरा नाम है अब्दुल अजीज, उनको इंसाफ चाहिए। अभी तक इंसाफ कोई नहीं हुआ, अभी तक क्या इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो सब बात सच है उसको सामने लाना चाहिए ना। पुलिस की तरफ से क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? पुलिस वाले खुद करप्शन वाले हैं, उनको उनसे क्या उम्मीद।